हेलो स्टूडेंट एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जुलॉजी आज का हमारा टॉपिक है फेरेटिमा प्रोस्थ्यूमा फेरेटिमा प्रोस्थ्यूमा का कॉमन नेम है अर्थवाम और अर्थवाम जो है वो फाइलम एनिलिडा का एनिमल है इस लेक्चर में हम अर्थवाम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो इसमें पहले हम देखते हैं क्लासीफिकेशन को अर्थवाम फाइलम एनीलीडा का एनिमल है क्लास है इसका ओलिगोकीटा ऑर्डर है ऑफिस्थोफोरा जीनस है फेरेटिमा और स्पीसीस है प्रोस्थ्यूमा ठीक है उसके बाद है हैबिट एंड हैबिटेट मतलब कि इसका आवास स्थान और स्वभाव कैसे होता है तो अर्थवॉर्म एक टेरेस्टियल एनिमल है जो कि नम मिट्टी में पाए जाते हैं ये भूमि के अंदर लगभग तीस से पैंतीस पैंतालीस सेंटीमीटर तक की डिप्त में रहते हैं और ये सड़ी गली पत्तियों और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनको मिट्टी के साथ ही खाता है मतलब कि ये अपने फूड को मिट्टी के साथ ही इनहेल करते हैं और फिर ये सॉइल को और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकाल देते हैं उसके बाद है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब कि इसके बॉडी को बाहर से देखने पर इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं तो इसमें पहले हम देखते हैं इनके सेप और साइज को अर्थवर्म जो है वो बाइलेट्रली सिमेट्रिकल होता है मतलब कि इनके बॉडी को अगर बीच से काटा जाए तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड अगले सिरे पर नुकीले और पीछे वाले सिरे पर कुछ मोटा होता है तो यहाँ पे ये है एक अर्थवर्म ठीक है तो अगर अर्थवर्म की बॉडी को देखोगे तो ये एक ट्यूब की तरह दिखाई देता है ये इलोंगेटेड और इनका जो अगला वाला सिरा है ये इनका बॉडी का इंटेरियर पोर्सन है और ये है पोस्टेरियर पोर्सन तो इसका जो आगे वाला सिरा है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है नुकीला होता है और पीछे वाले सिरे पर कुछ ये मोटा होता है एक एडल्ट अर्थवॉर्म का बॉडी जो है वो लगभग एक सौ पचास मिलीमीटर लंबा और तीन से पाँच मिलीमीटर तक चौड़ा होता है उसके बाद है इनका बॉडी कलर मतलब कि इसके बॉडी का कलर कैसे होता है तो इनके बॉडी का कलर मटमैले या फिर मिट्टी के कलर का होता है या फिर ये चमकदार गहरे भूरे रंग का दिखाई देता है चमकीले भूरे रंग का कारण ये होता है कि इसके बॉडी वॉल में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे पोर्फायरिन पिगमेंट कहते हैं इसी पोर्फायरिन पिगमेंट के कारण इनके बॉडी का कलर गहरे भूरे रंग का होता है उसके बाद है सेगमेंट ऑफ बॉडी मतलब कि सेगमेंटेशन तो अर्थ का जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है ये बहुत सारे खंड से मिलकर के बना होता है तो अगर इसके बॉडी को देखोगे तो इनमें एकदम छोटा छोटा खंड दिखाई देगा इनकी पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होता है ठीक है इसके पूरे बॉडी में अगर छोटे छोटे सेगमेंट की संख्या देखा जाए तो वो लगभग सौ से एक सौ बीस तक पाई जाती है और ये सेगमेंट जो है वो मेटामेरिक सेगमेंट कहलाती है या फिर इसी को बोला जाता है सोमाइट ठीक है तो इनके बॉडी में जो सेगमेंट प्रेजेंट होंगे उसको हम सोमाइट या फिर मेटामर्स बोलते हैं उसके बाद है इसमें इनके जो बॉडी का अगला वाला सिरा है उसमें हेड पाया जाता है इनका जो हेड है वो इनके फर्स्ट सेगमेंट में होता है तो ये मान लो ये है इसके बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट ये है सेकेंड और यह है थर्ड सेगमेंट तो जो फर्स्ट सेगमेंट होगा उनमें इनका हेड होता है जनरली हम लोग देखते हैं कि हेड में आई होते हैं टेंटिकल्स होते हैं या फिर सेंस ऑर्गन होते हैं लेकिन अर्थवा में ये सब नहीं पाए जाते इनमें सिर्फ एक माउथ होता है जो कि हाफ मून की तरह दिखाई देता है ठीक है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है इसका फर्स्ट सेगमेंट फर्स्ट सेगमेंट में एक छोटा सा पोर होता है जिसको बोला जाता है माउथ इनका जो माउथ है वो हाफ मून मतलब कि अर्धचंद्रकार दिखाई देता है और माउथ के चारों ओर जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरी ठीक है पेरी का मतलब होता है चारों तरफ और स्टोमियम का मतलब होता है माउथ मतलब कि माउथ के चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। तो माउथ जो है वो चारों ओर से पेरिस्टोमियम से घिरा हुआ रहता है ठीक है उसके बाद इसके माउथ के आगे की तरफ एक प्रोजेक्शन निकला रहता है जिसे प्रोस्टोमियम कहा जाता है तो इनके माउथ में एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है इन प्रोजेक्शन को कहा जाता है प्रोस्टोनियम ठीक है प्रोस्टोमियम जो है वो मिट्टी को खोदने या फिर भोजन को ग्रहण करने का काम करता है ठीक है तो इसी की हेल्प से ये मिट्टी को खोदता है या फिर अपने फूड को ये ग्रहण करता है उसके बाद है इसमें क्लाइटेलम तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है क्लाइटेलम एडल्ट अर्थवॉम में एडल्ट अर्थवॉम के बॉडी के जो अगले सिरे हैं उसमें लगभग बीस मिलीमीटर mm की दूरी पर फोर्टीन फिफ्टीन और जो सिक्सटीन सेगमेंट है उनके चारों तरफ क्लाइटिलम पाया जाता है क्लाइटिलम एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ये थ्री पार्ट में बटन रहता है जो फोर्टीन सेगमेंट में जो क्लाइटेलम होता है उनको बोला जाता है प्री क्लाइटेलम बीच वाले मतलब कि फिफ्टीन सेगमेंट को बोला जाता है क्लाइटेलर और जो सिक्सटीन सेगमेंट है उसको बोला जाता है पोस्ट क्लाइटेरा तो इस प्रकार से इसका जो क्लाइटेलम है वो तीन पार्ट में बटा रहता है ठीक है इसका मेन काम होता है कोकून का फॉर्मेशन करना इसके अंदर ही एक होता है और इसी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है ठीक है तो रिप्रोडक्शन के टाइम ये एक के चारों ओर कोकून का फॉर्मेशन करती है कोकून को ये बनाती है उसके बाद है सीटी तो सीटी जो है वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इसी की हेल्प से अर्थव लोकोमोशन करते हैं मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह में वो मूव करते हैं तो इनके सिट इनके सिटी जो है इनके बॉडी में पूरे बॉडी में पाया जाता है सिर्फ इसके फर्स्ट सेगमेंट और जो क्लाइटिलम वाला सेगमेंट है मतलब कि फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन सेगमेंट और जो लास्ट लास्ट पार्ट का जो सेगमेंट है इनको छोड़ करके ये पूरे बॉडी के जो सेगमेंट है उसमें ये प्रेजेंट होगा ये जो सीटी होती है वो एक नाइट्रोजिनस पदार्थ का बना होता है जिसे हम कैटिन कहते हैं तो प्रत्येक सेगमेंट में लगभग अस्सी से एक सौ बीस तक सीटी पाए जाते हैं तो इनके पूरी बॉडी में जो सेगमेंट है मतलब कि इसके फर्स्ट क्लाइटेलम वाले पार्ट और लास्ट को छोड़ करके जितने भी सेगमेंट हैं उसमें सीटी पाए जाते हैं ठीक है और इनकी संख्या एक में लगभग अस्सी से एक सौ बीस तक होती है मतलब कि प्रत्येक सेगमेंट में इनकी संख्या अस्सी से लेकर एक सौ बीस तक होती है उसके बाद है अपैर्चर्स मतलब कि छिद्र जो इनके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं वो इनकी बॉडी में कौन कौन से सेगमेंट में पाए जाते हैं और उसका काम क्या होता है तो इसमें से फर्स्ट जो एपर्चर्स है वो है माउथ माउथ जो है वो इसके फर्स्ट सेगमेंट में होता है और ये फर्स्ट पोर होता है तो यहाँ पे ये है माउथ जो कि हाफ मून की तरह दिखाई देता है और ये इनके बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट में पाया जाता है और जो माउथ है वो चारों तरफ से पेरिस्टोनियम से घिरा होता है ठीक है उसके बाद होता है एनास एनास जो है वो इसके लास्ट सेगमेंट में होता है इसके थ्रू ये अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करता है उसके बाद थर्ड इसमें सेगमेंट है फीमेल जेनाइटल पोर जो फीमेल जेनाइटल पोर है ये इनके बॉडी के फोर्टीन सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं मतलब कि जो क्लाइटेलम रीजम है ये उसके अंतर्गत आता है उसके बाद होता है मेल जेनाइटल पोर तो मेल जेनाइटल पोर जो है वो इसके बॉडी में एट्टीन सेगमेंट में प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म जो है वो हर्मा प्रोडाइट होते हैं मतलब कि इनके बॉडी में मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होगा ठीक है तो इनके बॉडी में जो फोर्टीन सेगमेंट है मतलब कि जो क्लाइटेलम वाला पार्ट है उनमें फीमेल जेनाइटल पोर प्रजेंट होता है और जो एट्टीन सेगमेंट है उनमें मेल जेनाइटल पोर होता है ठीक है तो मेल और फीमेल जो जेनाइटल पोर है वो एक ही एनिमल की बॉडी में प्रजेंट होगी उसके बाद है इस्परमे इस्परमैथिकल पोर ये पोर जो है वो फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन सेगमेंट में देखने को मिलता है तो अर्थवॉम की जो फाइव सिक्स मतलब कि यहाँ पे ये वाली जो सेगमेंट है इसमें स्पर्मेथिकल पोर होते हैं जो कि एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये अर्थवाम की जो सेगमेंट है मतलब कि दो सेगमेंट के बीच में होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये है एयर अर्थवाम की बॉडी और ये है इनका सेगमेंट ठीक है मान लो ये है फिफ्थ सेगमेंट ये है सिक्स ये है सेवेन ये है एट ये है नाइन ठीक है तो ये जैसे कि यहाँ पे फाइव है और सिक्स है तो ये जहाँ पे ज्वाइंट होगा वहाँ पे ये प्रजेंट होता है तो फाइव और सिक्स के बीच में फिर सिक्स और सेवन के बीच में उसके बाद सेवन और एट के बीच में इस प्रकार से ये प्रजेंट होते हैं ठीक है तो ये दोनों सेगमेंट जहाँ पे जुड़ते हैं उसी के बीच में इस पोर पाए जाते हैं ठीक है